आपका फिर स्वागत है। मैं हरिशंकर व्यास सोचे सोचना जरूरी प्रोग्राम का अब दूसरा पार्ट या कि आज की गपशप लिए हुए हूँ। राजनीति राजकाज में कई बातें होती है जो पढ़ने देखने में नहीं मिलती। आखिर पर्दे के पीछे के दावपेच और नेताओं की मंशा बूझना सबके बस में नहीं होता। सो जरूर देखें जाने भारत के दरबारी गलियारों की यह गपशप। गुजरात में कमाल की चुनावी राजनीति हो रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के पास जो ब्रह्मास्त्र था वह गुजरात में उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बता रहे हैं उसे गुजरात चुनाव में मुद्दा नहीं बना रही। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल नोटबंदी की थी और काले धन से लड़ने का संकल्प जताया था, पर हैरानी है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में न तो काले धन को मुद्दा बनाया जा रहा है और न नोटबंदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा था, लेकिन गुजरात में एक बार भी उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला है। इसी तरह हर मंच पर GST को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, लेकिन भाजपा इस उपलब्धि के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है। उल्टे ऐसा लग रहा है जैसे GST किसी और पार्टी की सरकार ने लागू किया है और भाजपा उसमें सुधार करने का वादा कर रही है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए पिछले 15 साल से गुजरात दंगों का मुद्दा उठाती रही है, पर इस बार गुजरात चुनाव में एक बार भी 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र नहीं हो रहा है। अमित शाह को लेकर लगने वाले फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी इस बार नहीं लग रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के टूटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगले साल अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस टूट जाएगी। इसका असली कारण तो राज्यसभा चुनाव होगा, लेकिन बताया जाएगा कि राजद के साथ करीबी की वजह से पार्टी टूट रही है। कांग्रेस के एक दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पहले से ही राजद से नाता तोड़ लेने का दबाव बनाया हुआ है। खबर है कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। अगले साल भाजपा के 2 राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं। विधायकों की मौजूदा संख्या के आधार पर भाजपा को 1 सीट मिलेगी और दूसरी सीट जीतने के लिए उसे कुछ विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस से टूट कर आने वाले विधायक यह जरूरत पूरी करेंगे, यानी कांग्रेस का बिहार से 1 राज्यसभा सीट जीतने का सपना पूरा नहीं होगा। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहना शुरू किया है कि किसी नेता को राज्यसभा देने का वायदा करके अध्यक्ष बनाया जाए तो वह विधायकों को टूटने से रोकने का प्रयास करेगा। अगर नेता पैसे वाला हो तो उसके लिए विधायकों को रोकना आसान होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने राजद के साथ रहने का संकेत देकर विधायकों को नाराज किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आधार पार्टियों के बीच टकराव का नया मुद्दा बन गया है और तभी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर अपना रुख बदलेगी। पिछले दिनों झारखंड में कथित तौर पर भूख से एक बच्ची की मौत के बाद राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजू राय ने राशन कार्ड के साथ आधार जोड़ने की अनिवार्यता खत्म करने के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। अब केंद्र सरकार ने भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक खातों से आधार जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक कराने के बजाय दूसरे दस्तावेजों से भी वेरिफिकेशन कराया जाए। इसके लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के इस्तेमाल पर विचार हो रहा है। असल में लोगों की समस्याओं को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे अपना मोबाइल फोन आधार से लिंक नहीं कराएंगे। अगर नंबर बंद करना है तो बंद कर दिया जाए। जनता दल यू के बागी नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने भी आधार को हर जगह अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में नियुक्त केंद्र सरकार के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा की हैसियत घटा दी। कई नेता और सुरक्षा मामलों के जानकार ऐसा मान रहे हैं कि वार्ता शुरू होने से पहले ही उसको फेल करने का प्रयास भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को वार्ताकार नियुक्त किया और बुधवार को सेना प्रमुख ने कहा कि वार्ताकार नियुक्त होने और वार्ता शुरू होने के बावजूद सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार ने जानबूझकर दबाव और वार्ता की दोहरी रणनीति अपनाई है। यह इस रणनीति में ही अंतर्निहित था कि वार्ता और सुरक्षा बलों की कार्रवाई एक साथ चलती रहेगी। तभी यह माना जा रहा है कि सेना प्रमुख को वार्ता शुरू होने से पहले बयान देने की जरूरत नहीं थी। उनके कहे बगैर भी सभी यह जानते थे कि आतंकवादियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि केंद्र के नियुक्त वार्ताकार आतंकवादियों से बात करने के लिए नियुक्त नहीं हुए। उनकी नियुक्ति कश्मीर के राजनीतिक दलों और दूसरे संबंधित पक्षों से वार्ता के लिए हुई है। प्रोग्राम का पहला हिस्सा अब यहीं खत्म है। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 0971774832 पर मुझे भेजें।